हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडवर्म। एडवर्म इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स विद स्पेशल फोकस ऑन JKSSB एंड JKPSC। एडवर्म प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद टीचर्स इन लाइव लेक्चर्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू सी देयर कैपेबिलिटीज एंड मोटिवेटिंग देम टू स्टडी। Edvum also provides online mock tests for every competitive exam. Currently, JKSSB VLW test series is live, which contains 7 full-length tests. This test series is fully in accordance with JKSSB syllabus and pattern. Also, there will be topic-wise, chapter-wise, subject-wise full-length test series for upcoming JEE civil examination. This will help you to be a step ahead to achieve the desired success. Our test series are way better in terms of quality and are prepared by professionals strictly in line with JKSSB syllabus and pattern. Of course, live lectures are recorded and you will be able to watch them anytime. You can download Edvum from Google Play Store. You will find link in the description box below. In this session, we will solve previous year questions of JKSSB, JEE civil examination. Here is the first question on your screen. Which one of the following chemical compounds is present in ordinary Portland cement which has highest heat of hydration? इनमें से किस केमिकल कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है ओपीसी में? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में चार किस्म के क्लिंकर्स मिलते हैं हमको। मेन रॉ मटेरियल्स आर पुट इन क्लन, दे फ्यूज एंड फोर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फिलाइट। उनमें से सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है, किस केमिकल कंपाउंड की होती है? सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट की होती है। ओके, सीमेंट क्लिंकर इज प्रोड्यूस्ड ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट। सबसे ज्यादा हीट इवॉल्वेशन जो कि क्वेश्चन पूछा गया है होती है C3A की, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट की। कितनी हीट इवॉल्व होती है? 865 जूल पर ग्राम। सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट उसमें इवॉल्व होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है? CSH जेल, और उसके साथ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोल्यूशन ऑफ हीट होती है उसके साथ। और सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व कहाँ पे होता है? ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट में, फॉलोड बाय ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है? 500 जूल पर ग्राम। एंड देन टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट, उसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है? 420 जूल पर ग्राम। देन C2S, उसमें कितनी होती है? 260 जूल पर ग्राम। हियर इज अ ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ दिस सीमेंट क्लिंकर्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिनों में आती है? सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़े ही दिनों में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की आती है, फॉलोड बाई C2S, देन C3A एंड देन लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है किसकी वजह से? C4AF। सबसे लीस्ट सीमेंटिंग वैल्यू है C4AF की। इसके साथ आपको और एक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन किस सीमेंट क्लिंकर में सबसे ज्यादा पाई जाती है? टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन मिलती है, फॉलोड बाय C3A, फॉलोड बाय C3S एंड
सबसे कम किसमें होती है? C2S में। C2S में सबसे कम हीट भी इवॉल्व होती है और रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम इसी में पाई जाती है। तो आप ये ऑर्डर्स दो याद कीजिएगा, दिस विल हेल्प यू इन मेनी एग्जाम्स। सो मूविंग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज रिलेटेड टू डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी के रिलेटेड इनमें से कौन सा एरर रिलेटेड है? लूपिंग एरर, रिडंडेंसी एरर, क्लोजिंग एरर, डैंगिंग एरर। डमी एक्टिविटी किसको कहते हैं? ये एक सुपरफिशियल एक्टिविटी होती है जो हम खाली नेटवर्क में ड्रा करते हैं। इसको ड्रा इसलिए किया जाता है कि कोई रिलेशनशिप बन के निकल आ जाए बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। उसमें से एक ग्रामेटिकल रिलेशन होती है और दूसरी लॉजिकल रिलेशन, जो कि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद एन एग्जाम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। डमी एक्टिविटी की वजह से जो एरर आता है उसको रिडंडेंसी एरर बोलते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल हियर। वी हैव एक्टिविटी ए, देन बी, सी एंड डी। एक्टिविटी ए इज प्रेडिसेसर ऑफ बी, एक्टिविटी बी इज प्रेडिसेसर ऑफ सी एंड एक्टिविटी सी इज प्रेडिसेसर ऑफ डी। जो ये डैश में डैशड एरो है इसी को हम डमी एक्टिविटी बोलते हैं। डमी एक्टिविटी को हम डैशड एरो से प्लॉट करते हैं। हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी एरर। हाउ? सी, ए तो प्रेडिसेसर है बी का, सी का, डी का। पहले एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी, फिर बी, उसके बाद सी एंड एट द एंड डी। ओके, अगर ये डमी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती तो इसके बिना भी हमको पता चल जाता है कि ए इज प्रेडिसेसर ऑफ डी। ओके, दिस डमी एक्टिविटी हियर रिप्रेजेंट्स की डी का जो प्रेडिसेसर है वो ए है। अब अगर ये नहीं होती यहाँ पे, हमको फिर भी पता चल जाती है कि ए इज प्रेडिसेसर ऑफ डी, बिकॉज ए इज प्रेडिसेसर ऑफ बी एंड सी, सी इज प्रेडिसेसर ऑफ डी। तो हमको ये चाहिए नहीं यहाँ पे, ये डमी एक्टिविटी हमको यहाँ पे चाहिए ही नहीं। दिस इज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी हियर, सो दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी एरर। डमी एक्टिविटी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आप रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। द पर्पज ऑफ डमी एक्टिविटी इज टू मेंटेन लॉजिक ऑफ ए नेटवर्क डायग्राम। सिंस नो रियल एक्टिविटी टेक्स प्लेस बिटवीन टू सच इवेंट, द डमी एक्टिविटी डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। कोई रिसोर्स कंज्यूम ही नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट रियल एक्टिविटी। यहाँ खाली नेटवर्क में बनाते हैं, प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं है, प्रोजेक्ट में कहीं दिखेगा नहीं हमको। इट ऑल्सो डज नॉट कंज्यूम टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम लगता ही नहीं है इसमें। डमी एक्टिविटीज आर यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, जब आपको जरूरत हो डमी नेटवर्क बनाने की ये तभी बनानी होती है। लाइक इन दिस केस यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, इट डजंट प्रूव एनीथिंग और शो एनीथिंग, कोई रिलेशन यहाँ पे ये जनरेट ही नहीं करती है ये डमी एक्टिविटी। हियर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि कहाँ पे यूज आती है डमी एक्टिविटी। वी हैव एक्टिविटी वन एंड टू, इसका हम नाम रखेंगे ए, एंड एक्टिविटी वन थ्री वी विल नेम दिस एज बी। आप बताइए कि पहले एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी या एक्टिविटी बी? अगर ये डमी नेट डमी यहाँ पे ना होती तो आपको पता ही नहीं चलता कि पहले ए कंप्लीट होगी या बी। डमी की वजह से हमको पता चलता है कि ए कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट होती है। पहले एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी, उसके बाद एक्टिविटी बी। ओके, डमी को हम प्लॉट करते हैं एट डॉटेड लाइंस।
लूपिंग एरर। लूपिंग एरर क्या होता है? लूपिंग एरर में एक लूप सा बन जाता है, फ्रॉम बी टू सी, सी टू डी, ये एक लूप बन गया, फिर वापस से यही, इस एरर को कंटिन्यूअस लूप बनता है, इसी एरर को लूपिंग एरर कहते हैं। लूपिंग एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकिलिंग एरर इन अ नेटवर्क डायग्राम, मेकिंग एन एंडलेस लूप, जैसे कि यहाँ पे एक एंडलेस लूप बन गया इन अ नेटवर्क, इज कॉल्ड एरर ऑफ लूपिंग। डैंगलिंग एरर, डैंगलिंग एरर होता है कि कोई एक्टिविटी डिसकनेक्टेड होती है, लाइक दिस एक्टिविटी एंड दिस डिसकनेक्टेड, इसी को डैंगलिंग एरर कहते हैं। वेन एवर एन एक्टिविटी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क इज कॉल्ड डैंगलिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी सी एंड एफ, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकमेंडेड कैम्बर वैल्यू फॉर थिन बिटुमिनस सर्फेस फॉर हैवी रेनफॉल इज 2.5%। इसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, टाइप्स ऑफ रोड सर्फेसिस, रेंज ऑफ कैम्बर इन द एरिया, कैम्बर की वैल्यूज, ओके, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सर्फेस अगर हो, फिर हाई रेनफॉल में हम 2% का कैम्बर देते हैं, लो रेनफॉल में हम 1.7% का कैम्बर देते हैं। अगर थिन बिटुमिनस सर्फेस हो, हाई रेनफॉल में 2.5% का कैम्बर देते हैं, जो क्वेश्चन है थिन बिटुमिनस सर्फेस फॉर हैवी रेनफॉल, कितना देते हैं हम 2.5%। लो रेन, अगर यही क्वेश्चन लो रेनफॉल का होता तो फिर 2% आता है यहाँ पे। वाटर बॉन्ड मैग्नम और WBM के लिए या ग्रेवल पेमेंट के लिए 3% का देते हैं इन हैवी रेनफॉल एंड इन लो रेनफॉल 2.5%। अर्थन रोड के लिए हम देते 4% फॉर हाई रेनफॉल और हैवी रेनफॉल, 3% फॉर लो रेनफॉल। इसको मेमोराइज करने का एक तरीका ये भी है, देखिए एक रिलेशन निकल के आती है, 2% यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2%, 2.5% यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3% यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दिस टेबल। Move to the next question. When the water surface coincides, water surface coincide करता है किसके साथ? The top edge of the rectangle, top edge of rectangle के साथ, vertical gate of 20 meter wide, width है उसकी 20 meter, और depth है 3 meter. Then the depth of center of pressure, हमको center of pressure की depth निकालनी है. Let's see. यहाँ पे water surface coincides with टॉप एज ऑफ रेक्टेंगल, डेप्थ कितनी है 3 meter, फॉर रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है 2h/3, सिंपल, 2h की क्या वैल्यू है 3, 2 × 3/3 इज इक्वल टू 2 meter, हियर 2 meter आंसर है, इजी, ओके, दिस इज शॉर्ट वे डिराइव्ड एक्सप्रेशन, या आप इसको लॉन्ग फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे टाइम लगता है थोड़ा सा, बेटर क्या ऐसे ही आप रिमेंबर रखे इसको, ऐसे ही याद रखे इसको। रेक्टेंगल टॉप एज कोइंसाइड्स विथ वाटर लेवल, डेप्थ इज एच, विड्थ इज बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है, h/2 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी, सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे मिलेगी आपको 2h/3 पे। ट्रायंगुलर सेक्शन विथ एपेक्स अपवर्ड, अगेन इम्पॉर्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2h/3 पे और सेंटर ऑफ प्रेशर 3h/4 पे। रेक्टेंगल सेक्शन विथ एपेक्स डाउनवर्ड्स, h/3 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और h/2 पे सेंटर ऑफ प्रेशर। सिमिलरली दिस इज सर्कल, सिम सर्कल, पैराबोला एंड ट्रेपीजियम, ये आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के एक बार देख सकते हो, इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत सी प्रॉबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन इज मोर देन सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय हाउ मेनी टाइम्स? Due to restraining effect of steel on concrete, strength obtained in test is comparatively more. Restraining effect की वजह से जो test results निकल के आते हैं वो ज्यादा निकल के आते हैं. Strength of cylindrical specimen is 0.8 times strength of cube, and strength of cube is 1.25 strength of cylindrical. स्पेसिमेन तो इसका क्या आंसर आएगा 1.25 ऑप्शन नंबर सी. लेट्स एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट. ओके, स्टील कंक्रीट पे रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है? जो स्टील है वो कंक्रीट को डिफॉर्म नहीं होने देता. कंक्रीट को डिफॉर्म क्यों नहीं होने देता? क्योंकि स्टील को कंक्रीट के ऊपर रखा होता है और दोनों के बीच में स्ट्रेन कंपेटेबिलिटी आती है. इसका मतलब अब स्टील जिसमें एक्सपेंशन ज्यादा होनी थी अब नहीं होगी, बिकॉज कंक्रीट उसको उतनी एक्सपेंशन नहीं करने देगा. सिमिलरली कंक्रीट की कम होनी थी, अब स्टील ज्यादा करा देगा. इसी को कहते हैं स्ट्रेन कंपेटेबिलिटी. स्टील कंक्रीट के फेलियर को रोकता है, इसी को रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट कहते हैं. बिकॉज ऑफ रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट टेस्ट रिजल्ट ज्यादा आते हैं एक्चुअल वैल्यू से. अब जो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है ये सैंपल की साइज पे डिपेंड करता है. स्मॉलर द साइज लार्जर द रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट, एंड लार्जर द साइज स्मॉलर इज द रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट. इसका मतलब एरर कम होता जाता है. ड्यू टू रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील ऑन कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट इज कंपेरेटिवली मोर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. Due to restraining effect of steel on concrete strength obtained in test is comparatively more. कितनी strength आती है? Cylindrical specimen की 0.8 times strength of cube, और strength of cube की आती है 1.25 strength of cylinder. Let's move to the next question. Dead ash may be used for all discharge when drop is more than 1.5 meters. कौन सा यूज होता है ड्रॉप जब ड्रॉप 1.5 मीटर्स का होता है? बैफल baffle water English form for all discharges and drop greater than 1.5 meter. यही पूछा गया हमको क्वेश्चन में. dead ash may be used for all discharge when drop is more than 1.5 meter. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इंग्लिश फॉर्म. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये सभी लोग जानते हैं इसका आंसर. Let's see. कैनाल फॉल क्या होता है? Let's explain canal falls a bit. एक नेचुरल स्लोप कैनाल है. Let's say this is a sloped canal. Okay? This is a sloped canal. इस स्लोप की क्या वैल्यू होती है? वो लेसी की फॉर्मूला से निकलता है. एस इज इक्वल टू एफ पावर 5/3/3340 क्यू पावर 1/6. ये डिजाइन लॉन्गिट्यूडिनल बेड स्लोप है. तो
इस केस में कैनल फेल प्रोवाइड करना होता है, इसकी मेन फंक्शन एनर्जी डिसिपेट कराना होता है। अगर अब सीधे पानी ऊपर से आएगा यहाँ से स्टीप, तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा ये उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए हमको कैनल फॉल बनाना पड़ता है। वी मेक लाइक दिस, इसमें से हम छोटे छोटे ड्रॉप्स क्रिएट करते हैं और एक साथ पानी छोड़ा तो ये पानी बहुत एनर्जी के साथ आएगा, फिर वो डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। ऑल्सो अगर हम ये स्ट्रक्चर ना बनाए, अगर हम कनाल फॉल ना बनाए, फिर आपको बहुत सारी कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे और बहुत सारी फिलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम कैनाल फॉल्स का यूज करते हैं। सी दिस इज द कैनाल फॉल हेयर, पूरा नहीं दिखता है इसमें बट यू कैन गेट एन आइडिया, वर्टिकल ड्रॉप फॉल। इफ नेचुरल ग्राउंड स्लोप इज स्टीपर देन डिजाइन बेड स्लोप ऑफ कैनाल देन डिफरेंस इन लेवल इज एडजस्टेड बाय प्रोवाइडिंग कैनाल फॉल्स। ओके, इट विल परमिट लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर लेवल इन ऑर्डर टू डिसिपेट द सरप्लस एनर्जी बाय फॉलिंग वाटर विच में अदरवाइज स्कॉर द बेड एंड ब्रिज द कैनाल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 हियर। विच वन ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ आर एल ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट, इनमें से कौन सी फॉर्मूला सही है अगर आपको आर एल ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट निकालनी है तो। लेट्स सी, दिस इज द बेंचमार्क, दिस इज द स्टाफ रीडिंग एक्स, ओके दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, और ये सेकेंड रीडिंग है, ओके इंटरमीडिएट साइड। हाइट ऑफ कॉलिमेशन किसके बराबर आएगी, बेंचमार्क, यहाँ पे जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क प्लस एक्स प्लस स्टॉप रीडिंग इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉलिमेशन। अब इसमें इंटरमीडिएट साइड हटा दो तो आर एल ऑफ इंटरमीडिएट साइड मिलेगा आपको, बेंचमार्क प्लस एक्स इज द स्टॉप रीडिंग, ये बैक साइड बनेगा, ये वाली रीडिंग एक्स प्लस बेंचमार्क यूज बैक साइड रीडिंग वही होती है हाइट ऑफ कॉलिमेशन। अब इसमें से इंटरमीडिएट साइड निकाल दो तो आपको आर एल ऑफ इंटरमीडिएट साइड मिलेगी, तो आर एल किसके बराबर आएगा, बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। O3 इज फॉर्मड ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन, ओजोन किससे फॉर्म होता है, ओजोन इज द सेकेंडरी एयर पोलूटेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड SO2 H2, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेट्स सी, हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म्स ओजोन टैन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ द सैंड इज फाउंड टू बी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर फाउंड टू बी 7.5 एंड 2.5 रेस्पेक्टिवली एज पर IS स्टैंडर्ड्स, द सैंड इज क्लासिफाइड एज। सी फॉर वेल क्रिएटेड ग्रेवल कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इज ग्रेटर देन 4, सी इज ग्रेटर देन 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 3, फॉर पोअरली ग्रेडेड ग्रेवल जीपी
कोफिशंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज नॉट ग्रेटर देन 4 एंड कोफिशंट ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन 1. फॉर वेल ग्रेडेड सैंड कोफिशंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 6. कोफिशंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 6 एंड कोफिशंट ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3. लेट्स सी. सेवन पॉइंट फाइव कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सी यू इज 7.5 विच इज ग्रेटर देन 6 एंड सी सी इज 2.5 विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3. सो करेक्ट आंसर विल बी वेल ग्रेडेड सैंड एस डब्ल्यू वेल ग्रेडेड सैंड. फॉर पोअरली ग्रेडेड सैंड सी यू इज नॉट इक्वल इज नॉट ग्रेटर देन 6 and cc is greater than 3 or cc is less than 1. Again, very important. Now move to the next question. A cantilever of length 6 meter. A cantilever is 6 meter. Carries a point load of 48 kN at its center. Center pe kitna point load hai 48 kN. The cantilever is propped rigidity at the free end. डिटरमाइन द रिएक्शन एट द रिजिड प्रॉप. रिजिड प्रॉप पे रिएक्शन निकाल दिए. सी ये कैंटिलीवर है, मिड पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू. टेक एन एग्जांपल एल बाई टू, एल बाई टू टोटल यहाँ से यहाँ तक एल है तो मिड पॉइंट तक एल बाई टू आएगा और उसके बाद एल बाई टू आएगा. ठीक है, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने के लिए. आपको रिएक्शन एट ए निकालनी है 5/16 इंटू डब्ल्यू. डब्ल्यू 48 गिवन है, 5/16 इंटू डब्ल्यू दिस गिव्स 15 किलोन्यूटन. डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के, अगर अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकालनी है, अगर आप को ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन से सॉल्व करना है तो कैसे करें. सी टोटल डिफ्लेक्शन एट एंड ए ड्यू टू टू पॉइंट लोड्स इज जीरो. हम वही इक्वेशन यूज करेंगे. दिस इज एक तो पॉइंट लोड की वजह से हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे यहाँ पे और आर ए की जगह, और उसको टोटल समेशन उनका जीरो रखेंगे और आर ए की वैल्यू निकालेंगे. लेट्स सी हाउ. ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट लोड डब्ल्यू, डब्ल्यू एल बाई टू क्यूब बाई थ्री ई आई रिफ्लेक्शन ड्यू टू डब्ल्यू एट हेयर मिड पॉइंट प्लस स्लोप. दिस इज स्लोप which acts downwards and this one acts upwards minus iska, isliye minus mein aayega. Iski deflection ra l cube by 3 ei, yahan pe l by 2 because it acts up to this point only l by 2, l cube by 3 ei iske barabar rakhenge 0. Yahan se aap ra nikal lo, aapko answer mil jayega 5/16 into W. That's it for today. Thank you. Share and subscribe our YouTube channel. Follow us on Instagram and join our Telegram channel for latest updates. Links will be in the description box. Thank you.